दूरदर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्नानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका के सभागृह नेता भरत गंगोत्री ने भी उल्लासनगर महानगर पालिका की जनरल वार्डिंग मीटिंग में कोलब्रो कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आइए इस संबंध में अधिक जानकारी लेते हैं भरत गंगोत्री जी से। अशोक जी, कोलब्रो का जो इनको जीआईएस मैपिंग का टेंडर है, उस टेंडर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही विरोध में है। जब ये मुद्दा स्टैंडिंग में भी आया था तो ये स्टैंडिंग में भी हमने उनके अगेंस्ट में वोटिंग की, और उसके बाद जब ही 2017 का जीआर आया हुआ है कि जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि सी और ड वर्ग की जो भी नगरपालिका, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, अगर उन्होंने जीआईएस मैपिंग का टेंडर किया है या जो भी काम चालू है वहाँ जगह पे रोका जाए और उसकी ऑडिट की जाए, और उसके बाद जो निविदा है वो शासन अपनी तरफ से शहर को करके देने वाला है। तो उसके बाद 2019 में वो सीएम साहब के पास जाता है और वो मंजूरी के लिए, जबकि वो उसमें क्लियर कट मंजूरी भी नहीं है, उसके बाद भी ये टेंडर होता है और इस टेंडर में शहर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। आम जनता जो टैक्स भरती है उसके पैसे की ये लूट हो रही है। जीआईएस मैपिंग होना चाहिए। हाँ, जीआईएस मैपिंग होना चाहिए, क्योंकि आज इतने सालों से जिनकी प्रॉपर्टियां समझो पहले छोटी थी, अब वो भरी हो गई है, वो महानगर पालिका के नज़र में नहीं है, तो वो हिसाब से जीआईएस मैपिंग होना ज़रूरी है। और उस जीआईएस मैपिंग में आज का जो रिवेन्यू है वो भर के आएगा। आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो ये आवाज़ सिर्फ सदन तक रहेगी कि आप सड़क पर भी कोई आंदोलन करेंगे इस संबंध में? नहीं, हमारी ये लड़ाई चालू रहेगी। हम ये आवाज़ अपने महा विकास आघाड़ी जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ तक लेके जाएंगे। इवन यूडी मिनिस्टर को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और शहर हित में वो काम होना चाहिए, इसके लिए आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। भरत गंगोत्री जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद अशोक जी, आपका भी।